ये सब कुछ नमाज में हो रहा है और हुजूर के सामने हो रहा है। और बुखारी दी हदीस है, असहुल कुतुब बादा किताब अल्लाह, यानी असहुल कुतुब बादा किताब अल्लाह, ये कुरान मजीद के बाद सबसे सही तरीन जिसको किताब कहा जाता है वो बुखारी है। ये 8 जगह बुखारी में ये हदीस मौजूद है, 8 जगह इमाम बुखारी ने लिया है मुख्तलिफ उनवाना दे तहत ए नाल सफ़े भी लिखे हुए फलाने फलाने सफ़े होते हदीस क्यों जी। हुजूर जब पहली वो तस्फीक बुलंद हुई ना मस्जिद में, ऐसे आवाज़ बुलंद हुई, ये सारा कुछ नमाज में हो रहा है और अफजलुल खल्क आगे खड़े हैं और इमामुल अंबिया सुलह करवा के तशरीफ़ ले आए। वकान अबू बकर ला यल्तफत फी सिद्दीक अकबर की तवज्जो ना हुई, अफलम्मा अक्सरन नास व अत्तस्फीक इल्तफता, जब वो आवाज़ ज़्यादा बुलंद हुई तो सिद्दीक अकबर ने इन आँखों के कोनों से पीछे देखा, भाई पीछे क्या हो रहा है। क्यों इसी तरह जब इल्तफता, जब सिद्दीक अकबर ने पीछे तवज्जो की तो फरआ रसूल अल्लाह है। नमाज के अंदर पीछे तवज्जो तक मतलब ही कोई नहीं पड़ता, पीछे तुम्हें हाँ जी तवज्जो की तो हुजूर को देखा अल्लाह, फाशारा इलैह रसूलुल्लाह, सिद्दीक अकबर उन्हीं पांव पर पीछे हटने लगे। ये सारा कुछ नमाज में हो रहा। शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, बस इतनी बात, ये सारा कुछ नमाज में हो रहा। और जब पीछे हटने लगे तो फाशारा इलैह रसूलुल्लाह, नबी अलैहिस्सलाम ने उन्हें इशारा फरमाया अनिम कुस मकाना का, फरमाया अबू बकर खड़े रहे अपने मुसल्ले पर नमाज पढ़ाए। अगला मंजर के वे फरफा अबू बकर यदय, सैयदना सिद्दीक अकबर ने अपने दोनों हाथ उठा दिए, फहमिद अल्लाह अलामा अमरहू बिही रसूलुल्लाह मिन ज़ालिक, हाथ उठाकर कहने लगे या अल्लाह तेरा शुक्र है तेरे हबीब ने इतना तो फरमाया मेरे मुसल्ले पर खड़े। या अल्लाह तेरा शुक्र है तेरे हबीब ने इतना तो फरमाया, रसूलुल्लाह फरमाया अबू बकर मेरे मुसल्ले पर खड़े रहें, अगर किसी को 1400 साल के बाद नाराज़गी है तो वो हुजूर से बात करें, अगर किसी को सिद्दीक अकबर के मुसल्ले पर खड़ा होने पर नाराज़गी है तो वो सिद्दीक अकबर से बात मत करे, वो रसूलुल्लाह से करे। हम तो ये कहते हैं कि इन्नल्लाह नज़र फी कुलूबिल इबाद फलम यजिद कल्बन अनका मिन कुलूबि अस्हाबी, हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने अजल के अंदर हर बंदे के दिल की तरफ देखा और मेरे सहाबा के दिलों से बढ़कर उसने कोई पाकीजा दिल नहीं पाया।